निमोनिया और विंटर डायरिया ने शहर में फैलाए पैर। एक माह में 350 से अधिक बच्चे पहुंचे जिला अस्पताल, जिसमें सर्वाधिक 0 से 1 साल के ज्यादा बच्चे। ठंड का असर बच्चों की सेहत पर पड़ रहा है, बच्चे निमोनिया और विंटर डायरिया की चपेट में आ रहे हैं। ठंड बढ़ने के साथ ही बीमार बच्चों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। जिला अस्पताल ओपीडी में हर दिन 2 दर्जन बीमार बच्चे पहुंच रहे हैं। भर्ती होने वाले बच्चों में सबसे ज्यादा संख्या निमोनिया और विंटर डायरिया के पीड़ितों की है। जिला अस्पताल में 10 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक 350 से ज्यादा बच्चे निमोनिया और विंटर डायरिया से पीड़ित होकर जिला अस्पताल पहुंचे। इनमें 1 सैकड़ा से ज्यादा बच्चों को फेफड़ों में इन्फेक्शन भी पाया गया है। ठंड का असर सभी आयु वर्ग के लोग को करना पड़ रहा है। महिला पुरुष भी सर्दी खांसी से पीड़ित होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। एक सप्ताह में करीब 2000 से ज्यादा मरीज ओपीडी में इलाज के लिए पहुंचे। इनमें से 400 से ज्यादा सर्दी खांसी जुखाम और बुखार की शिकायत लेकर पहुंचे थे। चिकित्सकों के मुताबिक जिले में वैसे नवंबर से ही बच्चों निमोनिया की चपेट में आने शुरू हो गए थे, लेकिन इस सप्ताह में इनकी संख्या काफी बढ़ी है। इस बात की पुष्टि जिला अस्पताल ओपीडी और ओपीडी के आंकड़े भी कर रहे हैं। शिशु रोग वार्ड में आधा दर्जन से ज्यादा बच्चे सर्दी जुखाम बुखार और निमोनिया से पीड़ित भर्ती हैं।